बॉर्डर पे जो सारी चीज़ दिखाए जा रहे हैं, सारे चीज़ों की थोड़ी विस्तारित और अपनी बात बताया सर क्या जैसे ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पर उच्च शिक्षा केंद्र। इसके तहत हम लोग इस सेंटर पे जो कार्यक्रम होता है वो मौसम से जुड़ी हुई जो भी किसान को सुविधा दिया जा सकता है, उन लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेज करके उस तरह से एक प्रयोगशाला बनाया गया है, उस तरह से मौसम की जानकारी दी जाती है। और विशेष तौर पे हमारे सेंटर से एक कृषि कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, जो बिहार सरकार से ये अनुमोदित है। और इसमें हम 11 जिला के लिए काम करते हैं, 11 जिला के फार्मर हैं, जिसमें हम गर्मा में और खरीफ में और रबी में तीन सीजन में हम ये काम करते हैं। और ये काम करते हुए हम लोग हमेशा उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को हम लोग चाहते हैं लाभान्वित करें। उसमें मौसम के अनुकूल जैसे कृषि जो भी करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ सालों से महीना दिन तक के अंदर में सभी अंतराल में होते जा रहे हैं, हमारे मौसम चेंज करते जा रहे हैं। उसी के आधार पर हम लोग शिफ्टिंग टाइम के आधार पर जो फसल है उसको कुछ शिफ्ट करके और उसके अनुकूल कार्यक्रम करते हैं, जिससे हमारा कोई क्रॉप खराब नहीं होता है, अच्छे समय पे मैच्योर्ड होता है और उसकी कटिंग हो जाती है। इसमें ज़्यादातर हम मैकेनाइजेशन पे काम करते हैं, जो जीरो टिलेज से खेती होती है उसमें मशीन होता है, मैकेनाइजेशन होता है, जिससे हमारे 5 तरह के जो बचत होते हैं, जैसे वाटर है, पोषक तत्व है, इस तरह का जो एनर्जी है, मौसम स्मार्ट है, ज्ञान है, इस तरह से हम लोगों ने किसान के फील्ड पे जा करके और लगभग पूरे 11 जिला का हम बताएं तो 8000 से ज़्यादा किसानों के खेत पर हम लोग 9 से ज़्यादा ऐसे इंटरवेंशन करके उन लोगों के, मतलब कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, इस आधार पे हम लोगों ने किसान के खेत पे इसको करके दिखाया है और उससे किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। हमारे ऐसे जो मुख्यमंत्री का ये परियोजना है उसमें हम लोग 3800 जिला में ये चल रहा है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 11 जिला में 14 KBK पे अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं, जिसका ये विस्तृत रूप है। और इसके जैसे खाद सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर इस जो किसान मेला का थीम है उस पर आधारित ये मॉडल हम लोगों ने भी तैयार किया है, जिसके आधार पर ये किसान को हर एक क्षेत्रों में कार्य करने का मौका देता है और इसे उन्हें फायदेमंद होने के लिए अग्रसित करता है। आगे का क्या प्लान है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, ये एक जो परियोजना के तहत कार्यक्रम है जिससे एक मैसेज देना है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उस परिवेश में हम कैसे सर्वाइव करें, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में जो अवेयरनेस जानकारी देने की है वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग से माध्यम से पंपलेट से लिपटेप से मेला से इस तरह से हर एक चीज़ों में उन लोगों को जानकारी दे करके और कृषि को स्टेबल बनाने का हमारा लक्ष्य है। खासतौर पे जो किसान मौसम को लेकर खेती करना चाहते हैं वो किसान कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे सकते? जी, ऐसे तो जो भी जिला के किसान हैं, जिला हर एक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिकों से वो संपर्क कर सकते हैं अगर यहाँ तक नहीं आ सकते हैं तो। लेकिन यहाँ पे भी हमारे यहाँ सेंटर है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, अगर अपना मोबाइल से वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनके मोबाइल पे हर एक मौसम की जानकारी दी जा सकती है और उससे वो फायदेमंद हो सकते हैं। किस साइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा किसानों को? साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं, हमारे सेंटर पे आप अपना मोबाइल नंबर मेल आईडी करा दें तो उसे उन लोगों को ये दिया जा सकता है। अगर वो संपर्क के सूत्र में लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर ले सकते हैं, उन्हें वो प्रोवाइड करा सकता है। एक बार अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9835644356। मेरा नाम हुआ डॉक्टर पवन कुमार श्रीवास्तव, अनुसंधान सहायक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। कोई संदेश जो खासतौर पे मौसम को लेकर देना चाहेंगे? कभी भी मैं ये किसान बंधुओं को कहना चाहूँगा कि देखिए, एक होता है जो किताबी अनुभव होता है और एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किताबी अनुभव और जो किसान खेतों में काम करते हैं अगर वो दोनों एक हो जाए तो हमारी सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।